हे दोस्तों, आज हम करने वाले ड्राई एंड रफ हेयर का ट्रीटमेंट। एंड इसमें हमारे पास एक चैलेंज ये भी है कि हम इसमें कोई भी केमिकल या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। एंड हम अपने घर पे ही एक स्पा बनाएंगे नरिशमेंट के लिए। एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये हमारे रफ एंड ड्राई बाल क्यों हो जाते हैं, हम पहले ही इसके क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। अब बात करेंगे कौन से मेन कारण है जिससे हमारे बाल ड्राई एंड रफ हो जाते हैं। उसका पहला मेन रीजन है, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ओवर हीट में ड्रायर, आयरन या ऐसा कोई थर्मल इक्विपमेंट यूज कर रहा है तो उसके बाल रफ पड़ेंगे। एंड दूसरा रीजन है, अगर किसी ने अपने हेयर के अकॉर्डिंग सही शैम्पू नहीं चूज कर रखा है, या फिर शैम्पू चूज कर रखा है एंड वो कंडीशनर यूज नहीं करता, या फिर उसने कभी कंडीशनर यूज नहीं किया, उसके चांस है कि बाल रफ पड़ेंगे। एंड थर्ड द मेन, जो पर्सन बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाता है, कभी रिवॉन्डिंग करवा ली, स्मूथनिंग करवा ली, कभी कलर करवा लिया, उसके बाल रफ पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो हमें घर पे स्पा बनाने के लिए कौन कौन सी मेन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए एक मैश्ड किया हुआ बनाना। एंड इसके बाद आपको चाहिए कोई भी अपनी चॉइस का एक चम्मच ऑयल। उसमें आप अवॉइड कीजिए कि कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का ऑयल नहीं होना चाहिए। आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो। एंड देन हमें चाहिए 1 से 2 चम्मच कर्ड के। देन हमें चाहिए एलोवेरा जेल 1 से 2 चम्मच, वो भी आपको अगर डायरेक्ट प्लांट से मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो वो आप परचेज कर सकते हो। देन हमें चाहिए 1 चम्मच हनी का। तो आपने इनको मिक्स करके एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब हम करते हैं इस नेचुरल स्पा को अपने हेयर में अप्लाई। वो अब ध्यान से देखना है कि हमने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अपनी चॉइस का कोई भी शैम्पू लो, अपने बालों में शैम्पू करो। शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर कुछ भी, कंडीशनर या स्पा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो आप अपने बालों को जस्ट टॉवल ड्राई करो, अपने बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करने हैं, जस्ट टॉवल ड्राई। तो उसके बाद आपने रूट से लेकर एंड्स तक अपने बालों में स्पा, नेचुरल स्पा अप्लाई करनी है। तो वो आप 2 से 3 बार ऐसे अप्लाई करो जब तक आपको फील ना होने लग जाए कि मेरे बाल स्मूथ हो, तब तक करो आप। तो ये आपको पूरे ओवरऑल हेड पे करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो आप अच्छे से स्पा करो। तो स्पा करने के बाद, चलो सैलून में तो हम स्टीम यूज़ कर लेते हैं, घर पे हमारे पास स्टीम नहीं है, आप 2 से 3 लीटर पानी के बॉयल करो। बॉयल करने के बाद कोई भी नॉर्मल साइज का टॉवल उसमें डिप कर दो। तो डिप करने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ दो, उसमें से सारा पानी निकाल दो, कि उसमें पानी नहीं बचना चाहिए, बस वो गर्म होना चाहिए, उसमें स्टीम होनी चाहिए। तो उसे अपने हेड पे रैप करो। रैप करके आप उसे 10 से 15 मिनट रखो। जब आप उसे खोलोगे, बाद में भी आपने डायरेक्ट हेड वॉश नहीं कर देना है, कम से कम 10 मिनट वेट करनी है। अपने हेड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से मैच करना चाहिए, तो ही आपने वॉश करना है। तो ये नॉर्मल होने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। तो आप जब वॉश भी करोगे तो उस टाइम आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने हेड को वॉश नहीं करना है। आपने नॉर्मल टू लुकवार्म वाटर यूज़ करना है अपने हेड को वॉश करने के लिए। देन जब आपने वॉश करना है तो उस टाइम आपने शैम्पू बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमने अपने बालों में स्पा की है। स्पा करने के बाद कभी भी हम शैम्पू यूज़ नहीं करते। अगर मैंने शैम्पू यूज़ कर लिया तो मेरा स्पा की का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो बेफालतू है अपना टाइम जो भी मैंने लगाया है। तो आपने शैम्पू या स्पा या कोई कंडीशनर कुछ भी अप्लाई नहीं करना, बस अपने बालों में जो भी एक्सेस अपना जो भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था, अपनी नेचुरल स्पा यूज़ की थी, उसे बस निकालना है। एंड
ये निकालने के बाद भी आपने ड्रायर मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट पे यूज़ नहीं करनी है, बस नॉर्मली सेमी ड्राई करके अपने बालों को छोड़ देना है। तो ये आप अगर कंटिन्यूसली एक हफ्ते में एक बार, जैसे जैसे भी आपको छुट्टी हुई संडे को, तो आप इसे करो एंड एक मंथ में आपके बाल बहुत ज़्यादा रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को फॉलो किया तो आपको कोई स्पा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल स्पा बहुत अच्छी है हमारे बालों के लिए। सो इसी के साथ फिनिश करते हैं आज का टॉपिक। तो आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।